बुधवार को नुगांव में हुई अपने दादा की मौत पर अंतिम संस्कार में आ रही पोती और उसकी सास की हरियाणा ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी द्वारा टक्कर मारे जाने के कारण मौत हो गई। घटना से गुस्साए कई गांवों के ग्रामीणों ने राजमार्ग पर जाम लगा दिया और ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। जानकारी के अनुसार नुगांव में बुधवार को नाटी राम सैनी की मौत हो गई, जिसमें उसकी पोती रजनी अपनी सास हंसवती और पति विजयपाल के साथ बाइक पर आ रही थी। दिल्ली अलवर राजमार्ग पर स्थित दोहा चौक पर मुंडका बॉर्डर से अलवर की तरफ आ रही हरियाणा ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे बहू रजनी और उसकी सास हंसवती की मौके पर ही मौत हो गई और विजयपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर सैकड़ों लोग दोहा चौक पर एकत्रित हो गए और ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी और मार्ग को जाम कर दिया। घटना की सूचना पर हरियाणा के कई थानों की पुलिस घटना स्थल पहुंची और लोगों को समझाइश कर जाम खुलवाया। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम करवाने के लिए मंडीखेड़ा अस्पताल भेज दिया गया। मामले में डीएसपी पुनाना शमशेर सिंह का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम मंडीखेड़ा अस्पताल में करवाया जा रहा है। इस मामले में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेरी सुनो, इतना अत्याचार हो रहा है हरियाणा बॉर्डर पर, चाहे हरियाणा के हमारे आसपास के गांव की गाड़ी जाती हो या कोई भी जाता हो, बिना वैसे ही 10,000 का चालान 20,000 का चालान कर दिया जाता है। और यहाँ इतने अत्याचार हो रहा है, अगर राजस्थान से कोई भी गाड़ी तेल लेने के लिए आ रही है तो उनका भी 20,000 में 30,000 में चालान किया जाता है। तो ये डेली के आ जाते हैं, नहीं तो हमारा संपर्क रहता है, हमारा संपर्क भी इन्होंने खत्म कर दिया। ये भाई बंदी, ये खट्टर सरकार, मेरे को बंद करे तो अभी कर ले, ये खट्टर सरकार इतनी निकम्मी है, डेली की डेली यहाँ पे पुलिस वालों को ला देती है। नहीं तो राजस्थान से कोई मिलाप होगा, नहीं हरियाणा से मिलाप होगा, इतना निकम्मापन कर रखा इन लोगों ने। अगर यहाँ का भाई बंदी खत्म कर रहा है तो यहाँ की खट्टर सरकार ने खत्म कर रहा है। Thank you.